सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और फिर दबाइए बेल का आइकन पाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपू और आप देख रहे हैं दीपू टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि आप अपने एंड्रॉयड फोन को अपने उंगलियों के इशारों पर कैसे नचा सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, हाउ टू कंट्रोल योर फोन बाय योर फिंगर, मैंने यही बताया इस वीडियो में। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, मेरा चैनल न्यू है और आप लोगों को प्रमोट करने की आवश्यकता है, तो डिस्क्रिप्शन में जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आप उसे टैप करके सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो जो मेरी अगली वीडियो होगी वो सबसे पहले उसकी न्यूज आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आते हैं। सबसे पहले इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा और वहां सर्च करना पड़ेगा फिंगर जेस्टर लॉन्चर। जी हाँ दोस्तों, FINGER फिंगर जेस्टर लॉन्चर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, फिंगर जेस्टर लॉन्चर्स कार्लोस मोरेरा डेडे चिका, इसका नाम है डेवलपर का। तो आपको दिखेगा सिंपली की 4.3 की रेटिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है दोस्तों, और 500,000 डाउनलोड है। तो आप सिंपली इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है इसलिए मैं कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकता, मैं जस्ट इसे ओपन करूंगा। जब आप इसे वहां से ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, तो आप इसे स्लाइड करना। स्लाइड करने के बाद आपको यहां बोलेगा कि लर्न हाउ टू यूज द ऐप इन 2 मिनट। आपको यूट्यूब के द्वारा बोला जाएगा कि आप इस ऐप कैसे यूज कर सकते हो, आप इसमें यूट्यूब में देख सकते हो। नहीं दोस्तों, देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको दिखा ही रहा हूँ। तो सिंपली आप राइट में सबसे टॉप में गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिएगा और फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों कुछ कुछ जो ऐप्स के हैं, जो टॉप ऐप्स हैं उसके यहाँ जेस्चर दिए गए हैं, ओपन फेसबुक, ओपन जीमेल, मैप्स, गूगल प्ले स्टोर, ओपन व्हाट्सएप। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करनी है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फिर से आपको स्लाइड करनी है। स्लाइड करने के बाद यहाँ फिर से राइट टॉप में लिखा हुआ है क्रिएट योर जेस्चर, उसको क्लिक करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा कि सिस्टम सेटिंग, ओपन शॉर्टकट, ओपन रिसेंट टेक्स्ट। तो आपको जिसका जेस्चर बनाना है उस पर आपको क्लिक करना। तो मैं सीधा अपने एप्लीकेशन का जेस्चर बनाऊंगा, तो मैं राइट में फिर से टॉप में क्लिक करूंगा ओपन एप्लीकेशन। तो ओपन एप्लीकेशन पर टच करने के बाद आपके डेस्कटॉप पर जितनी एप्लीकेशन है सब यहाँ ऑन हो जाएगी। तो मैं आपको किसी भी एप्लीकेशन का जेस्चर बनाकर दिखाता हूँ। तो मैं अपने चैनल का जेस्चर बनाऊंगा डीपी टैग का, तो मैंने इसे टच कर लिया। अब मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा कि जो जेस्चर मुझे ड्रॉ करना है कि मेरा चैनल खुल जाए। मैं सिंपली यहाँ डी ड्रॉ करूंगा, ऐसा आपको 3 बार करना है दोस्तों। ये डन। तो अब सिंपली मैं होम जाता हूँ। होम जाने के बाद मैं आपको पावर ऑफ करता हूँ और फिर पावर ऑन करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने फिर से अपना लॉक खोलता हूँ। लॉक खोलने के बाद मेरे सामने एक फिंगर का निशान आ रहा है, मैं उसको क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद अपने जेस्टर को डी लिखेगा। तो डी लिखने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा ऐप ओपन हो चुका है। इसमें लिखा हुआ वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू आवर एंड्रॉइड ऐप। आप यहाँ तकनीकी और एंटरटेनमेंट से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। सिंपली मैं ओके करके अपने ऐप को ओपन कर सकता हूँ, पर मैं अपने ऐप को ओपन नहीं करूँगा। मैं फिर से फिंगर से जो ऐप थी उसमें जाऊंगा, मैं और ऐप्स के आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे हम लोग, फिर से ओपन एप्लीकेशन में जाएंगे और उसके बाद एप्लीकेशन आपका सारी ओपन होगी। तो आप कोई भी ऐप्स की कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्रोम ब्राउजर की करता हूँ, क्रोम ब्राउजर में नेक्स्ट करता हूँ, मैं यहाँ सी लिखता हूँ। तो देखिए सिंपली ये हो गया। तो मैं फिर से अपने होम बटन पर जाता हूँ, स्क्रीन ऑफ करता हूँ, फिर स्क्रीन ऑन करता हूँ, अपने लॉक को ऑन करता हूँ। फिर इस देखिए फिंगर का निशान आया हुआ है, यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ। मैं जैसे सी लिखूंगा तो मेरा क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपके जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। और दोस्तों मेरे वीडियो को प्रमोट करना नहीं भूलना। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।